उद्योग श्रम एवं रोजगार व तकनीकी शिक्षा मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने जिला मुख्यालय धर्मशाला में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना पर आयोजित कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। डीआरडीए सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना कार्यशाला में डीसी कांगड़ा ने सुझाव देते हुए कहा कि प्रदेश में स्वरोजगार के अवसर तो हैं, लेकिन सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर की मौजूदगी में डीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में टूरिज्म सेक्टर को भी डाला जाना चाहिए। डीसी ने कहा कि प्रदेश में टूरिज्म विकास की अपार संभावनाएं हैं, ऐसे में उत्तक योजनाओं में टूरिज्म सेक्टर के तहत कैंपिंग साइट को भी डाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा में नए कई ऐसे स्थल हैं जहां कैंपिंग साइट विकसित की जा सकती है। द्रीणी बोह से लेकर ससाल तक कैंपिंग हो रही है। कई जगह तो ऐसी है कि बाहरी लोगों ने साइट ले रखी है तथा हमारे लोग वहां काम कर रहे हैं। ऐसे में उत्तक योजना में टूरिज्म सेक्टर को डाला जाए तो हमारे युवा भी टूरिज्म आधारित गतिविधियां संचालित करके रोजगार कमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के तहत आवेदन के लिए आवेदक को कार्यालय न आना पड़े, इसके लिए वेब पोर्टल या ऐप विकसित किया जाना चाहिए जिसमें आवेदक जो कार्य करना चाहता है वो अपनी रुचि बताए तथा संबंधित अधिकारी आवेदक से घर जाकर उसे पूर्णतः जानकारी उपलब्ध करवाए। डीसी ने यह भी कहा कि कई विभागों का रवैया भी लोगों के प्रति सही नहीं होता है। वहीं किसी योजना के तहत आवेदन करने वाला व्यक्ति औपचारिकताओं में भी फंसकर रह जाता है, इसलिए औपचारिकताओं का सरलीकरण किया जाना जरूरी है। कार्यशाला के उपरांत मीडिया से बात करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र में प्लांट लेकर उद्योग न लगाने के मामले पर विभाग ने संज्ञान लिया है। औद्योगिक क्षेत्र में प्लांट लेकर औद्योगिक गतिविधियां शुरू न करने पर संबंधित प्लांट की अलॉटमेंट विभाग रद्द कर देगा, जिसके लिए विभाग ने 10 वर्ष का समय निर्धारित किया है। 10 वर्ष तक यदि कोई उद्योगपति प्लांट लगाने के बावजूद औद्योगिक कार्य शुरू नहीं करेगा तो उसकी अलॉटमेंट रद्द कर दी जाएगी। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि कंद्रौड़ी में विकसित किए जा रहे औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए आवेदन आना शुरू हो गए हैं। आधा दर्जन के लगभग आवेदन इस बारे उद्योग विभाग के पास पहुंच चुके हैं। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास पर ध्यान दे रही है, जिससे कि यहां की बेरोजगार युवाओं को घर द्वार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि उद्योग सेटअप में बदलाव लाया जा रहा है, उद्योग से जुड़े विभाग अपने कार्यों में बदलाव लाएं। यदि कोई व्यक्ति उद्योग लगाना चाहता है तो उसकी बात कोई नहीं सुन रहा है, तो संबंधित व्यक्ति सीधे मुझसे बात कर सकता है। मैं जनता की सेवा के लिए हर समय तत्पर हूं। यदि कोई बैंक आवेदन को तंग कर रहा है तो मुझे बताएं, समस्या का समाधान किया जाएगा। जो बातें किसी ने भी कही है उन सारी बातों के अंदर को जो है वो मैंने बड़ी गंभीरता से लिया है, और जो जो अमेंडमेंट्स करनी चाहिए उसमें अमेंडमेंट करने में सरकार को भी क्या समस्या है। इसलिए जो अच्छे सुझाव आए हैं उन सुझावों को मैं विभाग को बुलाऊंगा, बैठ के बातचीत करेंगे और उसको अमेंड करेंगे। अगर उसमें इको टूरिज्म नहीं है तो होना चाहिए, एज का हमें फैक्टर लगता है कम है तो बढ़ा देंगे। ये बातचीत बैठ के करेंगे और इसमें जो जो चीजें अमेंड की जा सकती है उनको अमेंड करेंगे। अलॉटमेंट हो चुकी है तो अलॉटमेंट होगी, फिर क्या आगे काम करेंगे बोलो। बनाई नहीं ना वहाँ, बनाएंगे वो नहीं बनाएंगे तो हम कैंसिल भी कर देते हैं। अभी मैंने कर दी कैंसिल, तीन दिन थे अभी पिछले दिनों में कैंसिल कर दी है। जिन लोगों ने इंडस्ट्री के लिए जमीन लेके पिछले 10 साल से काम नहीं किया उनको कैंसिल कर रहे हैं। सब कितने की कैंसिल की है? ये नहीं है, ऐसे आप पूछे प्रश्न मत। उसमें थोड़ा सा आपके ध्यान मेरे आंकड़ा नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो जो आएगा दुखी कि मेरी कैंसिल होगी मेरे को तभी पता चलता है। हमने एक निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों ने इंडस्ट्री के लिए प्लॉट लिया और उसके ऊपर इंडस्ट्री नहीं लगाई उसको हमने कैंसिल कर दिया, और तकरीबन काफी लोगों को कैंसिल किया है। कुछ लोग ऐसे आ भी रहे दोबारा आया, उसने कहा जी मेरी माँ बड़ी बीमार थी और मैं नहीं लगा पाया, ऐसा वैसा है, तो उसके केस को हम सिंपैथेटिकली ठीक भी कर रहे हैं। अगर किसी का मन है करने का तो करवा रहे हैं उसको। सर जाते जाते उद्योग मंत्री हो, अप्लाई करवाओ ना, फिर मेरे पास लिस्ट देना, सभी को दिलवा दूंगा। हमारा बच्चा ही अप्लाई नहीं करता है। आप तो बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रश्न कर रहे हैं, बड़े कम बच्चे कर रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ। नहीं नहीं, जब हम इस काम में लगे हैं, आपका तो प्रोसेस बहुत लंबा है ना सर। नहीं नहीं सुनिए, एफिडेविट बनाएगा वहाँ पे तो लोन देने से मना कर देते। एक मिनट सुनिए, आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, हम उसको ठीक करना चाहते हैं, तभी वर्कशॉप शुरू की है,
गांव में अंदर जाना शुरू किया है। अगर हम उसको पुराने ट्रेंड के ऊपर ही डिस्कस करेंगे तब तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हमने बैंकर्स को बुलाया, इवन डीसी साहब ने बैंकर्स के साथ बैठ के बातचीत की है कि भैया ऐसा है लोन वाला आएगा और मैं आपके पास लोन वाले को भेजूंगा या आप मेरे पास आएंगे, उसको क्लियर करना है। हमने थोड़ी चीजों को चेंज किया है। उसका कारण, मूल कारण क्या है कि हम, हमारे मन के अंदर इन स्कीमों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की मंशा है। इससे पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने धर्मशाला के दाड़ी स्थित आईटीआई का औचक निरीक्षण किया। आईटीआई के प्रिंसिपल के खिलाफ मिल रही शिकायतों के चलते उद्योग मंत्री ने आईटीआई का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उद्योग मंत्री के साथ एसपी कांगड़ा संतोष पटियाल व अन्य उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि धर्मशाला आईटीआई में प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत आई थी जिस पर प्रिंसिपल को ट्रांसफर कर दिया गया है। उद्योग मंत्री ने बताया कि मैंने स्टाफ से बातचीत करने की कोशिश की लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। उन्होंने बताया कि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि संस्थान मुखिया का कार्य व्यवस्था बनाना व बच्चों को संस्कार देना होता है, लेकिन जब मुखिया ही ऐसा होगा तो कैसे चलेगा। इस मामले में शीघ्र उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हाँ, ये ठीक है कि आज सुबह कुछ समय मेरे को मिला था और मैं यहाँ की जो आईटीआई है उस आईटीआई में गया था। मैं जब से मंत्री बना हूँ आईटीआई में पढ़ने वाले बच्चे, पॉलिटेक्निकल में पढ़ने वाले बच्चे, इंडस्ट्रियलिस्ट अक्सर कोई बात होती है तो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर वो बातें करते हैं, भेजते भी हैं। और मुझे इस बात का दुख है कि जो आपके यहाँ आईटीआई चल रही है, इस आईटीआई के अंदर काम करने वाले प्रिंसिपल के खिलाफ मेरे पास बहुत सी कंप्लेंट्स आई थी और आज मैंने व्यक्तिगत तौर पे वहां गया था। उस प्रिंसिपल को तो हमने ट्रांसफर कर दिया है लेकिन बाकी सारा स्टाफ वहां था और उनसे बातचीत हुई, चर्चा हुई। और दुख का विषय यह है कि उन सबको ये सारी बातें मान थी और उन्होंने कभी हमारे साथ शेयर नहीं की और इसलिए मैंने उनके साथ, उनको सख्ती से बोला इन सारी चीजों के लिए। और बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार वहां के प्रिंसिपल को करना चाहिए वो बड़ा दुखदायी विषय था। और अभी एसपी साहब मेरे साथ गए थे और हमने सारी बातों को सुना है और वहां से स्टाफ वाले लोगों से भी बातचीत की है और जल्दी ही इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी जो लोग इस प्रकार के काम करते हैं। हमने अपने संस्थान को क्वालिटेटिवली आगे लेके जाना है, बच्चों को संस्कार देने हैं। जब काम करने वाला मुखिया ही व्यक्ति इन सारी बातों के खिलाफ होगा तो निश्चित तौर से मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सर एक बात और कही।